नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के साथ साथ हम लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत भी किसी भी लोक दस्तावेज की प्रमाणित अर्जेंट प्रतिलिपि ली जा सकती है तथा इसे साक्ष्य के रूप में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए, जो इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ जाएं, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे तथा इसे इतना शेयर करेंगे कि हर भारतीय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वे प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत कहीं भी कर सके, किसी भी न्यायालय में या जहां उनकी आवश्यकता हो वो आसानी से लेकर प्रस्तुत कर सके। मैंने पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत कुछ दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन दिया है। आपको जिस भी कार्यालय से सूचना चाहिए, प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए, उस कार्यालय के लोक सेवक, लोक सूचना पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी या वहां के प्रमुख के नाम से आप आवेदन देंगे। किस प्रकार देंगे, आप पूरी इस वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त कर सकें। सत्यमेव जयते। सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय मधेपुरा, सह लोक सूचना पदाधिकारी का कार्यालय मधेपुरा। विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत दस्तावेज की प्रमाणित अर्जेंट प्रति हेतु आवेदन। महाशय, मैं अपना पूरा नाम और पता लिखेंगे। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे अपने आपके विभाग से निम्नलिखित दस्तावेज जो कि आपकी अभिरक्षा में मौजूद है उसकी अर्जेंट प्रति प्रदान करने की कृपा की जाए। आप जो भी मांगना चाहते हैं, मांगी गई दस्तावेज में अपना पूरा जो भी चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। मैंने कुछ पटना हाई कोर्ट में शिकायत किया था जिसके आलोक में मुझे कुछ नंबर के टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स की ज़रूरत पड़ी थी, इसी से संबंधित मैंने सूचना मांगी है। और शुल्क के रूप में आप 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर लगा देंगे और लिखेंगे शुल्क। इसके लिए मैं 50 रुपये का शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या इतना से भुगतान किया हूँ, अधिक शुल्क यदि लगने पर इसके सूचना मुझे शीघ्र प्रदान की जाए। यदि अधिक दस्तावेज हो तो ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए इस तरह का आप 50 रुपये का शुल्क लेके आप निवेदन कर दें कि मैं अधिक शुल्क लगने पर और दूंगा। नोट, हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2 वर्ष तक की डिटेल्स की सूचना ली जाती है, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित होने के कारण शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। अपना हस्ताक्षर, पूरा पता यहाँ लिख सकते हैं, अपना स्थान, जिला या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लिखेंगे, स्टेट लिख सकते हैं, डेट दे देंगे। इस प्रकार कर हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत भी प्रमाणित प्रति ले सकते हैं। यह RTI से भी ज़्यादा कारगर उपाय है, इसलिए यदि RTI एक्ट के तहत सूचना नहीं दी जाती है या आनाकानी की जाती है तो आप इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 1872 की सेक्शन 76 में आप आवेदन दर्ज करवाकर प्रतिलिपि ले सकते हैं। जय हिंद।